दोस्तों एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहता है उसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम एथेन सी टू एच सिक्स लेते हैं तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम दो कार्बन लेंगे और दोनों कार्बन पर तीन तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और चूंकि कार्बन की बैलेंसी चार होती है तो दोनों कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम कार्बन के पास उपस्थित सभी सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो पहले कार्बन के पास चार सिग्मा बॉन्ड हैं इसलिए पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री होगा इसी तरह से दूसरे कार्बन के पास भी चार सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरे कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री ही होगा और आप जानते हैं कि एस पी थ्री हाइब्रेटाइजेशन में टेट्रा स्ट्रक्चर और एक डिग्री अट्ठाइस मिनट का बॉन्ड एंगल होता है ऐसे ही केमिस्ट्री बेसिक्स के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें